इस वक्त की बड़ी खबर बागपत से है। आपको बता दें, जहां ईंट भट्टे में दलित चौकीदार का जला शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मजदूर के हाथ बांधकर भट्टे की आग में जिंदा डाल दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के ओसिक्का गांव के जंगल में एक ईंट भट्टे पर गांव का ही दलित शख्स किशन चौकीदार था। बरसात के चलते भट्टा बंद है, लेकिन आग अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। भट्टे पर किशन अकेला चौकीदारी कर रहा था। आज जब देर तक किशन भट्टे पर नजर नहीं आया तो किसी ने देखा कि किशन भट्टे की आग में पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को भट्टे की आग से निकाल और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक चौकीदार के परिजनों का आरोप है कि किशन के हाथ बांधकर जिंदा आग में फेंक दिया गया है। परिजनों का कहना है कि भट्टे पर लगे सीसीटीवी भी बंद थे। आकाश कुमार, आकाश, क्या घटना हुई है? पूरा मामला घटना ये हुई जी, भट्टे पे वहाँ पे काम करते थे वे, तो वहाँ पे काम करते करते अचानक हमारे पास, हमको पता लगा लगभग 10:30 बजे कि वो वहाँ पे पड़े भट्टे में अंदर। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो होल में थे अंदर, वहाँ पे हमने निकालने की कोशिश करी, फिर हमें दिखा कि उनके हाथ लगभग बंधे हुए हैं, ऐसे हाथ थे उनके, तो हमने थोड़ा निकाला जो है फंदा डाल के पैर में उनके, तो हमने फिर ऐसे ही छोड़ दिया। वो पुलिस केस है, मगर हाथ बांध रखे, हमको हत्या लग गया कि हत्या है, मर्डर है ये, तो हमने ऐसे कैसे छोड़ दिया। फिर हमने पुलिस पुलिस बुलाई, हॉल में डाल रखा था, भट्टे की चिमनी होती है भट्टे की, उसके बराबर एक पंखा होता है उसमें डाल रखा था। बड़ौद के ओसिक्का गांव में एक भट्टे में एक मजदूर के भट्टी में गिरने के संबंध में एक घटना हुई थी, जिसमें उस मजदूर की मृत्यु हो गई। शव को भट्टी से निकाल करके पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है। अभी जांच की जा रही है, अन्य पहलुओं पर भी जांच हो रही है, सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।